आजाद कैसे हैं आप सब? मुझे पता है पीछे पंखा लगा हुआ, गर्मियाँ आ गई हैं। पंखा लगा हुआ है लेकिन आपने नोटिस कि पंखा साफ भी किया हमने, कर देते हैं बंद। हमें आपके साथ जो बात करनी होती है ना, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं चाहिए होती, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सुबह के अभी 9 बजने वाले हैं और इतनी सुबह सुबह हमजा भाई आपके सामने बैठकर व्लॉग कर रहे हैं, डेडिकेशन देख रहे हो लड़के। अच्छा तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी दाढ़ी और मेरे बाल काफी बढ़ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी अम्मा जो मुझे इतने दिनों से लगी हुई है कि अपनी हालत सेट करो, तो मैंने सोचा कि आज उनकी बात पर अमल कर लिया जाए। पहले दाढ़ी काफी तमीज के मुजाहरे में थी, अब थोड़ी तमीज़ी का मंजर बयान कर रही है। मच्छर आज से मेरे मेड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स, मतलब वैसे तो मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ा हूँ और उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल राइट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हो रहे हैं। 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और हमारे 3 पेपर्स हैं और एक हफ्ते में हम लोगों को सबमिट करने हैं। फाइनली मेरी दाढ़ी कटने लगी है, अली भाई हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पर हमारी शेव करने और अभी हम लोग दाढ़ी को अलविदा कह रहे हैं। I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. तुम क्यों नहीं आया? मैं तेरे इंतजार कर रहा था। तूने मुझे कहा पहला काम मैं तेरा करूंगा। मैंने कहा तो पारस किस तरह नहीं? 5-6 लोगों का पहला काम तेरा करूंगा। She a great time, yeah. It should be a goddamn crime. To look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Oh, ये तेरी दाढ़ी के साथ तजुर्बा किया गया, अली भाई ने तजुर्बा किया। जल्दी कर रहा था। Grand floor, I just wanna go and explore, ooh, baby, I just want more, I want more, got a body like a... अब हमारे कहने पर आए, नहीं हाथ नहीं मिलाना वो करो ना। अब हमारे कहने पर आए हमारे घर हमारी शेफ की, और आप इतना अपना फारिग वक्त से वक्त निकाल कर आए, अब मेरे लिए मेहरबानी है। मैंने क्या बोला? फारिग वक्त। So after 2 freaking years, क्या किया अपने साथ? मेरी दाढ़ी। तेरे अली भाई आप हमारे लिए अपने फारिग वक्त से वक्त निकाल कर आए हैं, ये हम आपके लिए नाश्ता तैयार किए। ये रख दे। ये मैं रख देता। उज़ैफ़ा की कटिंग हो रही। अच्छा जी, तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिग्रेट इट, ठीक लग रहा है, बस लाइक गुजारा कर रहे हैं। फेस काफी हल्का हल्का लग रहा है, स्माइल करने में वो एक निखार, वो एक खुल के स्माइल हो रही है। टू बी ऑनेस्ट लाइफ में चेंजेस कभी कभी अच्छे होते हैं। आई फील गुड, आई रियली फील गुड। मुझे पता है क्या मज़ा सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आएगा ना, कि जब मेरे 2 साल बाद शेव की हुई दाढ़ी देखेंगे मेरे दोस्त, सटके हुए कैसे है। सटके हुए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है यार, तू जरा कैसे? चिकने हैं, तेरी वजह से पठान बदनाम है। अली भाई ने यहाँ से हमें थोड़ा जख्मी भी किया, बट खैर कोई बात नहीं, इतना वो आए हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कुछ हो सकता है कर दो, और बस फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।